कहते हैं सब एक साथ है, चोर तो हमारी पीटीआई में भी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तमीम खान और आप देख रहे हैं इस वक्त टीएम के प्रोडक्शन। इतिहास गवाह है कि जब भी दो सियासी जमातें आमने सामने हुई हैं, इतनी बहस होती है कि बात झगड़े पर चली जाती है, चाहे गली हो, चौक हो, बाजार हो। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीडिया ने बीच बाजार में आवाम से पूछा, अच्छा मुझे बताइएगा नवाज शरीफ की हुकूमत ज्यादा बेहतर है? उस्मान बुज़दार रक्षा यूनियन के सदर के काबिल नहीं है, उसे वजीर आला 12 करोड़ में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे कोई जानता भी नहीं था, उसे सपोर्टर नहीं है, लेकिन आपसे ये बात तो माननी पड़ेगी, जो नवाज शरीफ साहब की फैन फॉलोइंग है अभी तक उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, और इमरान खान साहब की जो फैन फॉलोइंग है इतनी महंगाई में भी उनका साथ नहीं छोड़ रहे। ईमानदार है और शरीफ भी है, ये सारे समझदार जितने भी लोग हैं सारे पीटीआई के हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हर चीज में इस मुल्क के लिए जो भी मुख्लिस आएगा ना उसके लिए हम देखो मुल्क पूरी दुनिया में हम बदनाम थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह खास काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर है। नहीं मानता उसने ऐसी भी नहीं, हम किस लिए जब हम खुद चोर होंगे ना तो हम दूसरे ईमानदार को नहीं आगे आ रहे, बिल्कुल। जब किसी थाने में ईमानदार हमारी चोरियों सब चोर अब एक साथ भी है, कहते हैं सब एक साथ है, चोर तो हमारी पीटीआई में भी बिल्कुल इमरान खान को नहीं मानेगा, कहते नहीं मानेगा, लेकिन इतनी जल्दी कोई करप्शन तो नहीं खत्म होती, मैट्रिक से हम आदि। और आखिरकार क्या हुआ, वही हुआ जो हर बार होता है कि नाराबाजी शुरू होगी। नाराज वो हैं जो जो नाराज वो हैं जो जो साथ देते हैं और नून लीग का साथ देते हैं। इतनी पब्लिक जमा होगी कि दुकानदार डिस्टर्ब हो गए, दुकानदारों ने बोल दिया मीडिया को कि प्लीज भाई साइड पे चले जाए, हमारी दुकानदारी खराब हो रही है। किसकी हुकूमत ठीक है, इस बारे में आपकी क्या राय है, तो प्लीज़ कमेंट्स में एक कमेंट्स करें, और ऐसा कमेंट्स करें कि इतने लाइक मेरी वीडियो पे ना हो जितने लाइक आपके कमेंट्स पे हो। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर गपशप लगाएं। थैंक यू।